देखो क्या कह रहे हैं, सुनो अब आप लोगों, सब उपयोग छोड़ दो। तो कभी तो ये जीव देव गति में, वो ये बता रहे हैं कि देव गति के अंदर ये जीव कभी कभी देव आयु नाम कर्म के उदय से, और क्या करता है, देव आयु नाम कर्म के उदय से देवों में उत्पन्न होता है। तो देव, देव को तो सुखी मानते ना लोग, कि देव पैदा हो गए मतलब जिंदगी सफल हो गई। मरने के बाद में आदमी यदि गारंटी से स्वर्गवासी हुआ है तो उसके सारे घर वाले क्या कहेंगे, कि बहुत बढ़िया पिताजी की गति हुई है। अपने को कोई कहे कि मर के आप स्वर्ग में जाओगे तो अपनी जेब में जितने पैसे होंगे अपन दे देंगे उसको, कितना अच्छा बोला तूने, मर के स्वर्ग में जाएंगे। और कोई ये बोले कि मर के आप नरक में जाओगे तो तेरी जेब में जितने उतने निकाल दें, हमारे तेरे मुंह में कीड़े पड़े। जितनी बददुआएं हम दे सकते हैं ना उतनी सारी दे देंगे हम, क्या छोड़ दो ये तो खैर कोई बात नहीं। ये लगा उसमें भी नहीं आ रहा है ना, वाईफाई नहीं आ रहा, नेटवर्क आ रहा है डेटा। अच्छा, पर उससे किस में चले गए आपके, उससे ही चला गया। अच्छा ऐसा ही चला, चलो रोटेशन से कर लो, पहले उठा के कर लो ना, हो जाए सेट तब कर देना। देखो क्या कह रहे हैं, तो अब ये बात अपने को चित्त में, आवाज में समझ में नहीं आती कि भाई ये के मतलब देव गति में तो सुख है ना, नरक में दुख है, ये बात ख्याल में आती है। लेकिन देव गति में तो सुख है, एक तो देव गति में सुख लगता है और दूसरा मनुष्यों में भी किनको सुख लगता है, जिसको जिसको की कोई प्रतिकूलता नहीं, तकलीफ नहीं, अपाहिज होगा कोई, विकलांग, रोग से ग्रसित, बताओ क्या मतलब। ऐसा नहीं कि मनुष्य गति में भी सब सुखी सुख लगता है सबको, क्या मनुष्य गति में भी हजारों दुख के कारण मौजूद है, है ना, ठीक है बस, अपने को कोई विकल्प नहीं। तो मनुष्य गति में भी जिनके पाप के उदय हैं उनको जीव सुखी मानते हैं, इनको दुखी मानते हैं। कोई दीन है जिसके पिताजी वगैरह कोई भी नहीं, जिसके सिर पर दरिद्री है, शरीर से रोगी है, घर में अगर सब लड़ने वाले लोग हैं, पत्नी मर गई हो, बच्चा मर गया हो, भाई लड़ाक हो, पड़ोसी दुखदाई हो, तो दुख लगता है कि नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि संसार में मतलब यहाँ मनुष्य गति में भी बहुत भयंकर दुख है। तो पाप के उदय में भी लोगों को लगता है मनुष्य गति में दुख लगता है, लेकिन कोई पाप का उदय नहीं हो, इसे ऐसा होता नहीं कि मनुष्य गति में कोई भी पाप का उदय ना हो। मैंने मनुष्य गति कर्म भूमिया जीव को कोई भी ऐसा नहीं है संसार में, कर्म भूमिया जीव जो होता है ना उसको कोई को भी सारी अनुकूलताएं होती नहीं, वो कर्म भूमि नहीं है। देखो कोई ना कोई प्रतिकूलता चला ही करती है। अच्छा कर्म भूमि का और कुछ नहीं तो उसकी जिंदगी खत्म हो रही है, कर्म भूमि की तो यूं भी आयु छीन हो रही है, तो बुढ़ापे के नजदीक आ रहा है। भोग भूमि जैसी तो है नहीं कि उसकी कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, मृत्यु मतलब बुढ़ापा जो है होता ही नहीं उनका, तो आराम से 49 दिन के अंदर मर जाते हैं वो, छींक और जमाई से अपने मर जाते हैं, उनका बुढ़ापा जैसा कुछ नहीं आता, युवा हो जाते हैं 49 दिन में। वो कहने का तात्पर्य कि उनको शारीरिक समस्याएं नहीं, और यहाँ तो सबको, किसी की भी मेडिकल रिपोर्ट ले आओगे ना और देखोगे तो दुख होना चालू हो जाएगा, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ तो कम निकलेगा। इसलिए ये चीज ही संभव नहीं है, पहली बात तो कि सब पुण्य के उदय किसी भी जीव को हो। कोई यदि ये मानता है कि नहीं साहब वो तो बहुत आनंद में है, मैंने कहा तुम्हारे को जो तकलीफ नहीं होगी वो उसको होगी, तुमको मालूम नहीं है अभी ये बस। इसलिए कोई कोई किसी ही दुख बाहर दिखे किसी ही उर्दू चिता है, किसी के दुख बाहर दिखता है और किसी के हृदय हृदय में जलता रहता है, लेकिन ये तो संभव ही नहीं कि कोई दुखी नहीं। कर्म भूमि का आदमी तुम कह रहे हो सुखी है,
कि नहीं साहब राजा जी तो बहुत सुखी। अरे कोई भी लिया तुम किसी भी माई का लाल लो, क्या राजा को निरंतर अपनी कुर्सी छीने जाने का निरंतर भय लगा रहता है, निरंतर भयभीत है, रात को भी चिंता रहती है कहीं कोई मार नहीं दे, काय का सुखी हूं। नींद अपने को आती कि नहीं आराम से, क्यों? अरे यहाँ लोगों को उठाना पड़ता अपने प्रवचन में। भाई प्रवचन चल रहे हैं और उन्हीं लोगों को नींद की गोली लेना पड़ रही है। क्या माइकल जैक्सन उसका नाम चलता था ना, तो वो सो नहीं पाता था बेचारा, सोने के लिए उसके डॉक्टर ने उसको दवाई दी तो भी नींद नहीं आई उसको, रात को 2-2:30 बजे तक नींद नहीं आई। दवाई का डोज इतना ज्यादा हो गया कि उसको हार्ट का अटैक आया, मर गया वो। बोलो आप, नींद नहीं आ रही थी उसको फिर भी, मतलब नींद ही नहीं आ रही आदमी को, वो इतनी इतनी उसकी प्रसिद्धि इतनी हो गई कि वो नींद नहीं आया उसको। लोग कोई इनको फैन क्लब बना नहीं सकते, नींद के लिए ओवरडोज हो गया उसको, नींद की गोली ओवरडोज हो गया, मर गया वो अल्पकाल में, अल्प बहुत कम उम्र थी उसकी, मर गया खत्म, एक झटके में कहानी खत्म। वो डॉक्टर अंदर हो गया, 4 साल की जेल हुई उसको, वो डॉक्टर उसका पर्सनल डॉक्टर था, पर्सनल। डॉक्टर की क्या गलती, वो चिल्लाए उसके कि मेरे को नींद लाओ, मेरे को नींद लाओ, अगले दिन सुबह शो है, शो है तो थोड़ी देर तो सोऊं मैं, मेरा नहीं तो एक भी शो बिगड़ा नहीं आज तक, शो कैसे बिगड़ जाए, एक शो जिसका बिगड़ा नहीं हो कभी, तो नींद नहीं आए तो समचित हो जाए कि भाई नींद आएगी तो मैं कुछ कर पाऊंगा वहाँ, और नींद ही नहीं आ रही है, दवाई पे दवाई पे दवाई पे दवाई, हार्ट नहीं फेल हो गया, हार्ट फेलियर हो गया, मर गया। ऐसे एक नहीं हजार है, इसलिए जो लोग भी मैं कहता हूँ दूसरों की थाली में मत देखो, अपनी परिणति देखो। एक तो पहली बात तो ये है कि तुमको किसी दूसरे की अंतरंग परिणति कुछ नहीं मालूम है ना, और जो कुछ भी जनवाणी में वर्णन है, मैं तो कहता हूँ कि मैं तो उससे किसी को पढ़ता हूँ और उससे अपने को सबको पढ़ना चाहिए। हम क्यों किसी के बाहर, इसके बाहर ऊपर क्या दिख रहा है, ये सुखी है कि दुखी, मैं इससे नहीं पढ़ूंगा, नहीं यहाँ देख के पढ़ूंगा कि भाई ये किस गुणस्थान में है, इस गुणस्थान में जी सुखी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, वो उससे निकाला जाएगा ना। हमारी चक्षु ही चरम चक्षु है, हम कभी भी आगम की चक्षु से देखते ही नहीं है, हम सारे संसार की व्यवस्था अपनी आंखों से देखते हैं, हम आगम चक्षु का उपयोग कहाँ करते हैं। आगम कहता है कि जो कोई भी मिथ्या दृष्टि सब दुखी है, और कर्म भूमि का कोई भी जीव उसके ऐसा तीव्र पुण्य का उदय होता ही नहीं, कर्म भूमि में वे सामग्री नहीं है जो कि इस जीव के अति पुण्य को दे सके, मैंने अति पुण्य का फल देने वाली कोई सामग्री, या तो फिर वो देवगति में जाएगा या भोगभूमि में जाएगा, यहाँ ऐसे नहीं, यहाँ तो एक एक वो का उसमें स्टोप देश के अंदर दिया है एक दो एक श्लोक जिसमें एक उदाहरण दिया है कि एक आपत्ति जाती है और दूसरी उसके पहले ही खड़ी, उसमें घटी का यंत्र का उदाहरण दिया है कि जैसे पांव से हम नीचे करते हैं उसको तो ऊपर दूसरा उसका हिस्सा ऊपर आ जाता है, एक प्रॉब्लम को हम नीचे पांव से करते हैं तो दूसरी प्रॉब्लम और नहीं आ जाती खड़ी हो जाती। जैसे डॉक्टर होता है ना, कोई चीज कम है शरीर में तो बढ़ाने के लिए दे दी, तो उसको बढ़ाने के लिए दी तो और कोई दूसरी चीज डिस्टर्ब हो गई उससे, फिर वो उसको ठीक करने जाते हैं, फिर उसको ठीक करने जाते हैं, फिर तीसरी चीज डिस्टर्ब हो जाती है, तो वो पूरा टाइम मेंटेन ही करते रहते हैं और इतनी जिंदगी पूरी होती रहती है, ऐसे चलता रहता है, खींचते रह रहे, खींच जाए जिंदगी जितनी खींचा, बाकी कोई परफेक्शन ठीक होना तो कुछ है ही नहीं, शरीर में चलते ही रहता है कुछ ना कुछ। जब तक आदमी अपनी मेडिकल जांच नहीं कराता तब तक उसको लगता है परफेक्ट आदमी, और उसकी जब रिपोर्ट पड़ता है तो डॉक्टर कहता है तुम्हें ये काम है ये काम है ये काम है, क्या मैंने कहा अपने कभी सोचा ही नहीं कि हमारे अंदर ये भी काम है, हमको तो लगता है हमारे अंदर सब है, ये ऐसे ऐसे नाम बताया था वो बिल्कुल, वो नाम याद नहीं रहते तो उनके शॉर्ट नाम रख दिए, ले B12 तेरे को याद रहेगा ये ले ले D3 B12,
क्या तो पूरा नाम बोलता है डॉक्टर पॉस्टर पॉस्टर और उन्हें किसका याद होता है। इसलिए अव्वल तो ये है कि इस संसार के अंदर कर्म भूमि में भी संपूर्ण पुण्य का उदय किसी जीव को नहीं होता। अब बचे दो जीव, एक तो भोग भूमिया है ना और एक देव। तो देव में भी देखो ऐसा देखा जाए तो देव के अंदर भी स्थिति बहुत दर्दनाक है, मानसिक दुख तो है उसमें, राजा तो एक ही है और सब उसकी आज्ञा के अधीन रहते हैं। दूसरे देवों की विभूतियां देख देख कर मानसिक दुख होता है और देव तो मां इंद्र तो एक ही है ना, आप सब उसकी आज्ञा में। और दूसरी बात कि हम कोई ऐसी एग्जाम नहीं दे सकते जिससे हम भी राजा बन जाए, हम उसकी जॉब नहीं छोड़ सकते, इस्तीफा नहीं दे सकते, रेजिग्नेशन नहीं दे सकते, हम मना नहीं कर सकते कि काम हम नहीं करेंगे, हम नहीं बनेंगे हाथी घोड़ा, क्या समझ में आया ना। कोई कोई पत्नी तलाक नहीं दे सकती वहां, चाहे कैसे ही पति मिला उसको, ऐसे मिलते भी नहीं ऐसे, लेकिन कहने का तात्पर्य है कि वहां की व्यवस्था जीवन पर्यंत की होती है, वहां जो सेवक बनाए तो जीवन पर्यंत सेवक ही रहेगा, क्योंकि पुण्य पाप का उदय जो लेके यहाँ से जाता है वो व्यवस्था उसकी वहां परमानेंट रहती है। तो राजा तो एक ही है, बाकी सब तो प्रजा ही है, और वो जो राजा बना उसको तो कोई इच्छा ही नहीं राजा बनने की, क्यों? क्योंकि वो तो समय दृष्टि जीव है। जितने दक्षिण दिशा के इंद्र है इधर तो एक पाँव मोक्ष जाने वाले, तो इनके तो कोई लालसा है नहीं राजा बनने की, और ये सब बन गए राजा, और जिन सबको बेचारों को लालसा है राजा बनने की वो सब बन गए प्रजा। तो वे सब बेचारे जिंदगी भर के हम क्यों नहीं बने, हम क्यों नहीं बने, त्रस्त रहते। तो इसलिए देवों में भी यदि देखा जाए तो एक कुछ एक इंद्र को छोड़ दो, बाकी तो सभी झुलसते मानसिक रूप में। दूसरा, दूसरे देवों की विभूति देख देख कर कि इसके पास तो ये है और हमारे पास ये है ही नहीं, इसके पास तो इतना वैभव है और हमारे पास में ये वैभव नहीं है, तो वो विभूति दूसरों की देख देख कर उसको प्राप्त नहीं कर सकते उस भाव में, तो मानसिक दुख बहुत होता है, पराधीनता का दुख। जिंदगी भर जॉब करनी पड़े ऐसी जिंदगी किस काम की है, बोलो। यहाँ तो फिर भी 60 साल में रिटायरमेंट हो रहा है, वहां तो आखिरी दिन भी उसको नाचना पड़ा, दिला देना को मौत हो रही है उसकी अगले क्षण और नाच रही है। कौन ऐसी डांसर होगी यहाँ बताओ जिसको कहा जाएगी तेरी मृत्यु हो जाएगी आज, वो उसकी मृत्यु होने वाली है और उस दिन भी नाचे बिचारी, क्योंकि जॉब है। कोरोना में लोगों ने कितने लालच दे दिया कि आ जाओ, उन्होंने कहा सेठ जी रहने दो अभी थोड़ा सा कि नहीं आ जाओ तो तनख्वाह ज्यादा दे देंगे, कि नहीं कोई बात नहीं तनख्वाह नहीं भी देंगे चलेगा लेकिन अभी नहीं आए गए नहीं खुद ही, कुछ कुछ जगह छूट भी दे दी ना उनको, तो जब उन्होंने काम वालों को बुलाया तो जो बहुत मजबूरी में थे उनको छोड़ दो, कुछ लोगों ने तो बिल्कुल साफ मना कर दिया कि नौकरी से निकाल दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं भैया आपकी जानकारी अपने को। अब आप देवगति की सोच लो क्या स्थिति है, आपको आखिरी टाइम तक उसकी नौकरी बजानी, जो अभी योग जाति के देव होते हैं वो भले ही हाथी उनको हाथी घोड़ा बनने का जो हुक्म दिया जाएगा वो उनको पालना पड़ेगा। ये जो सूर्य चंद्रमा के विमान को जो ढोते हैं पूरी जिंदगी भर ढोते हैं, तो इसलिए स्थिति तो बहुत अच्छी वहां भी नहीं है। और दूसरे तीन तरह के जो देव है उसमें भवनवासी यंत्र ज्योतिषी, ये तो वैसे ही बेचारे हीन देव माने जाते हैं, मतलब इनकी गणना ही हीन जाति के देवों में होती है। एक केवल जो अच्छे देव माने जाते हैं वो केवल वैमानिक होते हैं, कल्पोपन्न और कल्पाती। एक केवल कल्पातीत में ऐसी व्यवस्था है कि वहां कोई भी इंद्र प्रजा राजा प्रजा की कोई व्यवस्था मानी होती, सबसे अच्छी जगह वैसे वो, लेकिन वहां कल्पातीत में उत्पन्न ही वो जी होते हैं
जो पूर्व भाव में द्रव्य लिंग धारण किए हुए होते हैं। तो वो कोई भी चाहे सम्यक दृष्टि भी श्रावक हो, पंचम अवस्था वृत्ति छुल्ला गिलक भी हो, तो वो भी मानी जा सकता। और कोई मिथ्या दृष्टि भी हो, सम्यक दृष्टि नहीं भी हो, लेकिन उसने द्रविलिंग का बराबर पालन किया हो और उसकी यदि लेशा अत्यंत विशुद्ध हो, शुक्लेशा आदि, तो वो जीव विवेक चले जाता है। ग्रेवेक जाने के लिए लेशिया चाहिए, सम्यक्त नहीं। सम्यक्त संसार का अभाव करेगा, लेकिन सम्यक्त आपको देवगति के अंदर ऊपर पहुंचाने को जरूरी नहीं, क्योंकि देवगति में ऊपर जाने का नियम लेशिया है। जितनी जितनी लेशिया विशुद्ध होगी मरते समय, ये जीव उस जगह उत्पन्न होगा। लेशिया मैंने जितनी कषाय की मंदता होगी, क्रोध मान माया लोग जिसका जितना मंद होगा मरते समय, वो उसके अनुसार उस देव में पैदा होगा। यदि पीत लेशिया में मरा है तो वो दूसरे स्वर्ग से ऊपर नहीं जाएगा, पद्म में मरा है तो तीसरे से बारहवें के बीच जाएगा, और शुक्ल में मरेगा तो वो बारहवें के ऊपर जाएगा। और शुक्ल में भी अनेक जातियां होती, परम शुक्ल में मरेगा तो ऊपर चले जाएगा। तो कोई मिथ्या दृष्टि भी यदि शुक्लेशिया मरे, अच्छा मुनि जीवन में लेशिया विशुद्ध होती है, और गृहस्थी है सम्यक दृष्टि भी है, तो भी उसकी वैसी लेशिया नहीं हो पाएगी, क्योंकि बहिरंग धर्म के साधन जितने मुनिराज के होते हैं उतने गृहस्थ के नहीं होते। बहिरंग धर्म साधन की मुनिराज की प्रबलता होती है, और गृहस्थ जो है उसके बहिरंग धर्म साधन कम होता है, क्योंकि उसके नंद बंद चलते रहते हैं। सम्यक करने प्राप्त करने के अधिकारी दोनों हैं, उसकी अपेक्षा बात नहीं चल रही। लेकिन यदि कषाय के कारण बात पूछो तो उनके गृहस्थ के कषाय के कारण ज्यादा है, क्रोध आदि करने के अपने कदम कदम के कारण मिलते हैं, और उनके कारण बहुत कम होते हैं। उनका जीवन जो खासकर मैं द्रव्यलिंग की बात कर रहा हूँ, जो यथार्थ द्रव्यलिंग का पालन करते, उनकी लेशिया स्वयं अत्यंत विशुद्ध होती है। उस विशुद्ध लेशिया वाला जीव यदि कोई हो तो वो ग्रहण नहीं जा सकता, भले सम्यक नहीं हो, लेकिन उसकी कषा अति मंद होती है। ईमानदार धर्मात्मा होता है जिनाग्रम का पार्टी, और सम्यक मतलब रत्नत्रय का इच्छुक, रत्नत्रय हो नहीं पाया कोई कमी से, लेकिन रत्नत्रय धारण करने का अभिलाषी होता है। निरतिचार पालन, निरतिचार पालन करता, अतिचार नहीं लगते बिल्कुल, जो मतलब और बिल्कुल उसकी मतलब जैसे ग्यारह अंग आदि का अध्ययन करने वाला हो, शरीर में चमड़ी डाल, चमड़ी खींच दो आप, नमक डाल दो आप, लाल इतनी अति कषाय मंद होती है, लेकिन बस उसको यथार्थ श्रद्धा नहीं हो पाता। सबका भेद विज्ञान रूप सम्यक दर्शन नहीं होता, सब तत्काल श्रद्धा दर्शन तो ऐसा जीव ग्रेवेक तक चले जाता है। वो ग्रेवेक के ऊपर तो दोनों चीज होना चाहिए, दोनों मतलब सम्यक सहित महाव्रत हो, तीन कषाय चुगड़ी का भाव, द्रव्य लिंग और भाव लिंग, कहाँ ग्रेवेक में जो संख्या है वो सम्यक दृष्टि भी ज्यादा है, मिथ्या दृष्टि कम है। बीच का विमान सर्वार सिद्धि, उसके चार दिशाओं में जो विमान है वो चार अनुत्तर विमान, विजय विजयन जयंत अपराजित। सर्वार सिद्धि की इसलिए विशेषता है क्योंकि सर्वार सिद्धि के जीव नियम से अगले भाव में मोक्ष जाते हैं, एक भाव ताली होते हैं वो नियम से, और दूसरी बात कि उनकी एक ही आयु होती है बस 33 सागर, उनमें कम ज्यादा नहीं होती उनमें आयु। और विजय वैजयंत जयंत अपराजित जो चार देव बताए वो द्विचरम में मतलब दो बार वहां उत्पन्न हो सकते हैं, एक ही बार नहीं। सर्वार सिद्धि का जीव एक ही बार सर्वार सिद्धि में जाएगा, वहां से निकल के मोक्ष चले जाएगा, लेकिन विजय वैजयंत जयंत अपराजित का ऐसा नियम नहीं है। और नौ अनुदेश जो है वहाँ भी ऐसे द्विचर्म होते हैं, वहाँ पर भी दो बार उत्पन्न हो सकते हैं, सब सम्यक दृष्टि महावृत्ति उत्पन्न होती है, तो बहुत उत्कृष्ट होते जीव हुए। क्या इनमें जैसे सर्वार सिद्धि, तो सर्वार सिद्धि में असंख्यात करोड़ पूर्व में कोई एक जीव उत्पन्न होता है, असंख्यात जीव मोक्ष चले जाते हैं तब कोई जीव सर्वार सिद्धि जैसा पुण्य मानता है।
सर्वान सिद्धि में गिनती के जीव है, गिनती के असंख्यात नहीं है। मनुष्य से सवा दो अथवा सवा पांच गुने दो मत है उसमें, उतने ही उतने जीव है वहां सर्वान सिद्धि में। मनुष्यों से कुल मनुष्यों से लगभग सवा दो गुने या सवा पांच गुने। सोलह स्वर्ग के ऊपर देवियां होती नहीं, जब तक तो सुखी है निश्चय उनकी इतनी मंद होती है। कल्पातीत देव जो है सोलह स्वर्ग के ऊपर सब कल्पातीत है। सोलह स्वर्ग तक कल्पोपन है, जहाँ इंद्र आदि की कल्पना है वो कल्पोपन है, और जहाँ इंद्र आदि की कोई कल्पना नहीं है वो कल्पातीत है। और वहां देवियां भी नहीं होती, क्योंकि देवियां भी होगी ना तो वो हम इंद्र तो ही नहीं होगी, देव ये तो ही मान ली मैं इंद्र हूँ, देव वो देवियां होगी तो देवी का तो कोई स्वामी हो गया तो पराधीन हो गई ना। तो कोई भी जीव ऐसा का रहा, सब का रहे, सब समान का रहे और सब हम इंद्र का रहे तो देवियां होती नहीं। और अरे वो सोलह स्वर्ग के ऊपर की कोई देवियां आती नहीं, सोलह स्वर्ग का कोई देव यहाँ नहीं आता, सोलह स्वर्ग के ऊपर का कोई देव नहीं आता नीचे मध्य लोग, वो वहीं से ही सब अपने अवधि ज्ञान से भगवान के पंच कल्याण को जानते हैं। उनकी इतनी कषाय मंद होती है आने का भाव नहीं होता, वो अवधि ज्ञान की इतनी शक्ति होती है यहाँ जितना आके इतनी जानेंगे उससे ज्यादा अच्छा स्पष्ट हो वहां जान सकते हैं, आत्मा के प्रदेशों से सीधे जानते हैं। अवधि ज्ञान किसको कहते हैं? आत्म प्रदेशों से जानने का नाम। और ये जो मति शुद्ध ज्ञान है तो इंद्रियों से जान रहे हैं, हम आँख से जान रहे हैं, तो आँख से जानने की अपेक्षा अपने आत्मा से सीधे जाने वो ज्यादा अच्छा है कि बताओ चश्मे से देखूं मैं उससे अच्छा मैं बिना चश्मे के देखूं ज्यादा अच्छा है ना। तो प्रत्यक्ष ज्ञान ही है वे, वो यहाँ क्यों आएंगे, यहाँ क्या करने आएंगे, आँख से देखेंगे यहाँ के तो यहाँ आदमी आँख से ऊपर से नीचे उतरेगा, कोई आदमी ऊपर चीज दिख रही हो तो नीचे क्यों उतरेगा, ऊपर नहीं दिखती है जब नीचे उतरता है, तो इसका मतलब नीचे उतरा है तो नीचे दिखेगी कैसे, कि आंख से देखेगा, ऊपर आंख से नहीं दिख रहा था तो नीचे आंख से देख रहा है, तो आंख तो इंद्रियों से जान रहा है और वहां वो अतीन्द्रिय ज्ञान से वो सीधे जो यहाँ है उसको स्पष्ट जान रहे हैं। तो यहाँ क्यों आएगा, आना जाना क्यों करेगा, जिन जिनका ज्ञान बढ़ता जाता है उनका आना जाना कम हो जाता है, जिनके ज्ञान बहुत कम रहते हैं उनका आना जाना बहुत चलता है। सारे देवों में ही ऊपर ऊपर के देवों के गति कम है, गति शरीर परिग्रह अभिमान तो ही ना, गति कम है, ऊपर के देव आना जाना नहीं करते इतना। और ऊपर ऊपर के देवों की लेशिया भी शुद्ध है और सुख अधिक है, सुख द्युति प्रभाव इंद्रिय विषय लेशिया इनमें अधिक अधिक है, स्थिति प्रभाव सुख द्युति लेशिया विषय तो इसमें अधिक है, स्थिति आयु ज्यादा है प्रभाव ज्यादा है सुख ज्यादा है इंद्रिय विषयों के भी सुख, द्युति कांति ज्यादा है लेशिया ऊपर की विशुद्ध है इंद्रियों के विषय अधिक जानते हैं और अवधि ज्ञान का विषय भी उनका अधिक है। और गति शरीर गति में हीन है, गति कम है ऊपर, जितनी जितनी ट्रेवलिंग कम होता उतनी उतनी आकुलता कम होती है बढ़ती नहीं, लोग ट्रेवलिंग के अंदर सुख मानते हैं जबकि ट्रेवलिंग आकुलता का कारण। अभी आपको ये हो कि यहाँ के बाद में जाना हो तो आप यहाँ बैठे बैठे 25 विकल्प करते रहोगे आप, क्या दो चार बार तो घड़ी देख लोगे पलट पलट के क्या होगा, पौने 10 बजे ट्रेन है कहीं देर नहीं हो जाए देर नहीं हो जाए देर नहीं हो जाए, और पहली बात तो पौने 10 बजे सवा 10 बजे भी ट्रेन हो ना आदमी की तो भी वो 10 बार देख लेगा। क्या आ भी जाए मैं एक बार बहुत पहले आया था यहाँ, सबसे पहले मैंने बहुत पहले क्लास चालू की थी, बहुत पहले पंचोली जी थे तब शुरू में, क्या तब कोई आप लोग सही नहीं तब शायद, बहुत ऊपर स्टार्ट की थी बहुत पहले
तुम थे ना 2012-13 की बात है, नहीं उसके पहले की बात है। तब मेरे को पकड़नी थी ट्रेन, तो मैं चलती ट्रेन में बैठा था, मैं चलती क्या कूद के, मेरी छूट रही थी इंदौर जयपुर की ट्रेन थी कोई रात की 10:25 तक तो यही था। तो मेरे को मालूम है ना, मेरे जैसी क्लास खत्म हुई तब मैंने उस आकुलता को भोगा है। तो ट्रेवलिंग कपड़ा जमाने से विकल्प से लेके सारे, और वो वहाँ पूरा हर जगह पूरा खोलो और फिर जमा और खोलो और जमा और यही करते रहे। वो एक चीज रिजाई नहीं ने उसका विकल्प क्या, और रिजाई चिंता होती, अरे यार गया होते, मतलब विकल्प होता ही नहीं, कोई चीज घर से छूट नहीं जाए, कोई ऐसी चीज रह नहीं जाए क्या, तो इसलिए वो तो विकल्प ही है। इसलिए जो है ना उन्होंने ये जो है गति को आकुलता के कारण कहा है। गति शरीर परिग्रह अभिमान तो ही ना, ये सूत्र है इसलिए। अच्छा शरीर की लंबाई भी लोगों को बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ऊपर ऊपर के देवों के शरीर की हाइट कम हो रही है और परिग्रह कम हो रहा है सबसे बड़ा, और अभिमान भी कम हो रहा है। बोलो चीज बढ़ रही है, मैंने चीज मतलब ज्ञान बढ़ रहा है, सुख बढ़ रहा है, अवधि ज्ञान का विषय, पांच इंद्रियों के जानने का विषय, और प्रभाव कांति लेशियाओं की विशुद्धि कषाय की मंदता, ये सब बढ़ रहे हैं, अच्छी अच्छी चीजें सब बढ़ रही है, और परिग्रह अभिमान जाना आना शरीर की ऊंचाई ये सब कम हो रहा है। अब अपने आजकल देख लो, आजकल बिल्कुल उल्टा है, हर आदमी को ट्रेवलिंग चाहिए, शरीर ऊंचा चाहिए, हाइट चाहिए, परिग्रह खूब चाहिए और अभिमान चाहिए। और वो ये कह रहे हैं कि ये ऊपर ऊपर के देव में कम कम, तो तेरे को ये सब चाहिए तो तू ऊपर का देव तो नहीं बनेगा, क्योंकि नीचे जहाँ ज्यादा होगा वह बनेगा ना, ऊपर कैसे चले जाएगा तू, तो तू तू भावनात्मक लायक है, तेरी जो इच्छा है ना वो इच्छा है तेरे को भावनात्मक लायक बता रही है। तेरे भले घर वाले तेरे मरने के बाद यही लिखेंगे कि स्वर्गवासी हो गया, लेकिन हम 100% कहेंगे कि देव में भी गया होगा तो भावनात्मक भी गया, क्योंकि इसको परिग्रह खूब चाहिए था, पूरी दुनिया का परिग्रह इसके घर में चाहिए, अभिमान पूरा चाहिए, ट्रेवलिंग रात दिन चाहिए, और हाइट चाहिए बहुत लंबी, तो ये सब लक्षण तो वही के हैं। और नीचे यदि हाइट ज्यादा चाहिए तो नीचे नीचे के नरक में भी जाओ, तो वहां भी हाइट बढ़ रही है, या तो वहां जाओ या इधर नीचे आओ। देवों में ही नवस्था है और नारकियों में नीचे की, नारकियों में भी ही नवस्था है और देवों में भी ही नवस्था है। एक मनुष्य में पता नहीं क्या शरीर की ऊंचाई लोगों को बहुत लगता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि क्या उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन लोगों को है कि नहीं बहुत ऊंचाई होता अच्छा है, हाइट से बहुत लोगों को फर्क पड़ता है। तो इसलिए देवों में भी कोई बहुत वो नहीं है, अपन सारा विचार करो ना, कहता हूँ पूरा विचार करो, तुम हर जगह संसार की दशा का विचार करो कि कहाँ रहे हैं, ऐसी कौन सी जगह हम रहे कि जिससे हम सुखी रहे, अपन सुखी होना चाहते हैं, ताकि कौन सी ऐसी दशा है जहाँ हमको शाश्वत सुख मिल सके, तो तुम्हें पता चलेगा कि जिस पुण्य का उदय को हम चाह रहे हैं वो पुण्य के उदय वाले जीव ही संसार में गिनती के, क्या जिस अनुकूलताओं को हम चाह रहे हैं वो अनुकूलता भी कितनी दुर्लभ है, और वो उनको भी सदा काल नहीं रहती, उन जीवों को भी जिनको ये पुण्य का उदय रहता है, कदाचित कोई उनके विशुद्धि के भाव के वजह से जो थोड़ा बहुत उन्होंने मंद कषाय की उसके कारण से जो पुण्य उन्होंने बांधा, तो वो दशा भी उनकी सदाकाल नहीं रहती, उस दशा के बाद वो चीज हो ही जाती है। मतलब ऐसा कोई नहीं कर सकता है कि मैं मंद कषाय टिकाए रखूं और उससे मेरे को अनुकूलता बनी रहे और मैं संसार में मैं सुखी बना रहा हूं। मेरी बात समझना ही आप क्या कह रहा हूं, मैंने ये उपाय नहीं है कि आप संसार के अंदर निरंतर मंद कषाय रूप भाव रख के
और निरंतर अपने पुण्य के उदय को बनाए रख के और आप सुखी रह सको, क्योंकि इसमें निरंतर मंद कषाय बनी नहीं रहती है, या कुछ काल बाद आदमी की अपने आप स्वाभाविक रूप से कषाय तीव्र हो जाती है और फिर वो पाप आदि बांध कर वो दुर्गति में चले ही जाता है। मतलब वो त्रस पर्याय में जितना काल उसका रहने का है वो उससे अधिक काल उसकी शुद्धि रह नहीं सकती, वो त्रस पर्याय के लायक उसके परिणाम रहेंगे, वो परिणाम गिरने ही है उसके, क्योंकि वो पहले एकेंद्री में जाने के पहले उसके परिणाम गिरेंगे, वो ऐसे नहीं जाएगा, परिणाम के बिना तो एकेंद्री में जाएगा नहीं, तो वो उसको एकेंद्री में जाना है तो वो उस जाति के उसके कषाय में परिणाम हो जाएगा। कोई अधिक काल भी मंद कषाय में जीव ले नहीं सकता, मंद कषाय तो बहुत धर्म का जिसको डंडा लगा लगा के नहीं रखता है क्या, बाकी मंद कषाय रहती नहीं है, उनके फल का प्रलोभन ले लेके रख के कि हाँ ये मिलेगा इसलिए मिलेगा, बाकी जीव के जो परिणाम होते हैं वो तो बस धर्म का भय लोगों को थोड़ा बहुत, इसलिए उनकी कषाय थोड़ी बहुत भी मंद है, वो मैं भय नहीं होना तो लोग आ जाए अपनी वाली में, पर दिख जाए क्या होगा, तो जब तक उसका भय है तब तक लोगों की कषाय मंद है, जिस दिन उसका भी भय मिट जाएगा लोगों को कि कोई पुण्य पाप कुछ नहीं होता है तो वो कषाय भी तीव्र करने में संकोच नहीं करेगा। क्या भय उसमें, क्या चक्कू मारने में क्या है, इसे क्या होना जाना, कुछ तो नहीं होना जाना, क्या हो जाएगा, बिल्कुल खुले आम लोग करते कि कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, यहाँ है तो यहाँ मैंने सब सेटिंग कर रखी है, पढ़ लो कोई होता ही खराब बात, जिनको पुण्य पाप का कोई वो ही नहीं है, मतलब पुण्य पाप का कोई श्रद्धा नहीं है, उनको कोई भी पाप करने में परहेज करेगा, कुछ भी करो, तो वो लोग जिनको कि थोड़ा भी भय है कि भाई फल भोग में इसका हमको फल भोगना पड़ेगा, तो वे अपने अंतरंग से ही उस पाप से भयभीत रहते हैं और पाप करते ही नहीं, पाप करने का उनको भाव उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि वे उसके फल से भयभीत है, और जो उसके फल से भयभीत नहीं होते हैं, कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं, कोई पाप पाप नहीं पड़ेगा, कर लेता आराम से, क्योंकि उनको कोई ना तो उनको कोई वचनों का श्रद्धा नहीं और वचन मालूम भी नहीं है, अनेक लोगों को तो जिनवाणी का ज्ञान नहीं है, श्रद्धा क्या होगा, काय का पाप पुण्य उनके लिए, आप एक उस एंगल से सोचो कि जिस आदमी ने कुछ भी नहीं जाना हो तो उस आदमी को कोई भी पाप करने से क्या भय होगा, क्यों भय होगा, जब ने ये पढ़ा ही नहीं है कि दुख का कारण बुरा कार्य पाप होता है, हिंसा झूठ चोरी कुशील पड़ी रहे पाप है, पाप का फल दुर्गति है, ये पाप दुख का कारण है, जब मैंने पढ़ा ही नहीं है तो मेरे को उल्टी ये शिक्षा दी गई है, काहे कि परिग्रह तो खूब जुड़ना चाहिए, उसके लिए किसी को गला भी काटना तो कोई दिक्कत नहीं है, झूठ तो आजकल बिना बोले छाप चलते ही, और चोरी ही नहीं करेगा आदमी तो जिएगा कैसे, क्या व्यभिचार की शिक्षा दी जाए उसको, तो वो उसको करने में क्या दिक्कत है जी, जब उसको शिक्षा ही वो दी जा रही है तो वो वही करेगा ना, जो आदमी ने जो खाया होगा वही डकार आएगी उसकी की दूसरी आ जाएगी, तो वो जो उसकी जो फीडिंग हुई है जिसकी जैसी फीडिंग हुई होगी उसकी, उसने जो बचपन से जो बड़े होने तक जो सीखा है जो शिक्षा उसने अधिकार की है तो वो वही काम नहीं करेगा तो क्या करेगा, क्या वो तो वही करेगा, इसलिए ये अवस्था जो है जो ये जो पुण्य रूप अवस्था है, मतलब ये तुम ये सोच रहे हो कि मैं हमेशा शुभ भाव बनाए रखूंगा और बस इस तरह से संसार में अनुकूलता बना रखूंगा, मैं इसको मेंटेन कर लूंगा, तो मेंटेनेबल ही नहीं है, यहाँ से जीव को च्युत होना पड़ेगा और दुर्गति मतलब एकेंद्री में जाना पड़ेगा, क्योंकि त्रस पर्याय में रहने वाले जीव बहुत थोड़े से हैं, उस पर्याय में रहने का काल थोड़ा सा है, उस पर्याय के उस पर्याय को प्राप्त करने के योग्य भाव थोड़े से हैं, और इसलिए वो भाव निरंतर बने रहना असंभव है, इसलिए वो भाव छूटे मतलब तुम्हारे त्रस पर्याय छूटे उसके पहले एक ही अपने पास उपाय है संसार, मतलब इस अपने को सुखी होने का एकमात्र उपाय है, वो क्या है,
संसार का अभाव करना ही पुरुषार्थ है और कोई रास्ता नहीं। क्या ज्ञानेंद्र जी कोई मेरे से पूछे कि हम किस तरह से सुखी हो सकते हैं, हम किस तरह से आनंद मिल सकते हैं, हम हमारे दुख कैसे मिट सकते हैं, तो उसका एक ही उत्तर है सर्वत्र बस कि संसार का अभाव करना ही दुख दूर करने का उपाय। इस परमानेंट की बात कर रहे हो तो शाश्वत सुख चाहिए, शाश्वत सच्चा निराकुल सुख, तो उसके लिए तो तुम्हें संसार का अभाव करके मुक्ति प्राप्त करना होगा, क्योंकि मुक्ति में ही सुख है, मुक्ति में ही। मुक्ति हमेशा मुक्ति नहीं है और मुक्ति आकुलता रूप। तो देखो अपन तो चले गति का अगर बंद हो गया पहले, फिर गति नहीं आयु, गति तो 24 घंटे बनती है उसके बाद रिवीलिंग भाव नहीं सब हो सकते हैं क्या? ऐसे मन बाद में मन जैसा है किसी भी जीव के यदि नरक और तिरंज गति का या मनुष्य गति का बंद हो गया हो तो उस जीव के अनुव्रत महाव्रत रूप परिणाम होते ही त्याग रूप परिणाम उसी जीव के होंगे जिसके तीन आयु नहीं बची होगी। तीन आयु कौन कौन सी? केवल एक देव आयु को छोड़कर बाकी तीनों आयु ले लो। देव आयु के अलावा कोई सी भी आयु बनती होगी तो तुम्हारे त्याग रूप भाव नहीं होंगे। या तो आयु बंधी नहीं हो या देव आयु बंधी हो तो इस जीव के त्याग रूप भाव होने में अनुव्रत महाव्रत होने में कोई दिक्कत नहीं। और यदि इसके नरक आयु बंधी हो या तिरंज बंधी हो या मनुष्य भी बंधी हो तो भी एक तो अंत समय में त्याग रूप परिणामों के साथ नहीं बनेगा, इसका कोई त्याग नहीं रहेगा आपके। नहीं बीच में भी त्याग के भाव नहीं आएगा। नियम है ये, मतलब गति दुर्गति बनने के बाद में जीव को त्याग के परिणाम नहीं होते। दुर्गति छोड़ो नरक और मनुष्य तिरंज बनने के बाद नहीं होते। इसलिए किसी को अपना निर्णय निकालना तो निकाल सकता है, उसको दिक्कत नहीं। कभी तो ये जीव देखो अपन आगे पढ़ते हैं थोड़ा, कभी तो ये जीव देवगति नाम कर्म और देवायु कर्म के उदय से पुण्य कर्म के समूह से भरे स्वर्गों में देव उत्पन्न होता है, होता है नहीं? कदाचित देवगति आयु नाम कर्म उदया की प्रभुवंती अंगिना स्वर्गे पुण्य प्राप्त भर सकता। और अब बाकी को सुनो, देखो कल्पेषु च विमानेषु कायेषु इतरेषु च निरीक्षन्ति सुखं दिव्यं मासाद्य त्रिदिवसयम् त्रिदिवसयम् कल्पेषु कल्पों में उत्पन्न हो जाता है कल्प, कल्पित है 16 कल्पवासी देवों में जैसे 12 कल्प कहलाते हैं, वो 4-8 के बीच के उसमें 4 तो कल्पों में उत्पन्न होता है, बीच के 8 स्वर्ग के कल्प 4 ही है, 12 कल्प है। या यूं कहो अपन स्वर्ग 16 है, स्वर्ग 16 की बात करो ना, कल्प छोड़ो स्वर्ग 16 है, तो उन 16 स्वर्गों में और विमानों में है ना, कहाँ? विमानों में और निकायों में, देव निकाय में, भवनवासी में, अंतरवर्ण ज्योतिष निकायों में, और इतरेषु च निकायेषु अच्छा वैमानिकों के निकायों में समूहों में अथवा इतर माने भवनवासी में अंतर ज्योतिषियों में निर्विशन्ति सुखम सुख को क्या करता है भोगता है दिव्यम दिव्य आसाध्य माने आ पाकर त्रिदिव श्रियम त्रिदेव माने देवों की लक्ष्मी को पाकर और ये वहां पर देवों पनीर सुखों को भोगता है और वहां देवगति में कल्पवासियों के विमानों में तथा भवनवासी ज्योतिषी तथा व्यंतर देवों में उनकी लक्ष्मी पाकर देवों पनीर सुखों को भोगता है। ये सब बता रहे हैं। अब ये सुख का मतलब क्या है सब समझना, माने पुण्य के उदय जन्य पंचेंद्रिय के विषयों को भोगता है,
उसको यहाँ सब कह रहे हैं। प्रच्युन्ते तथा सद्य प्रविशन्ति रसातलम् रमत्यनरी अनिलबलि वद्विष्ट ब्रह्मा। प्रच्युन्ते वहां से विच्युत हो जाता है, कहां से तथा मतलब वहां से विच्युत हो जाता है। ये जो कल्प पता है कल्प और विमानों में न विमानी को भी और भवनात्री वहां से च्युत होकर सद्या मैंने बहुत जल्दी प्रविशंति रसातलम रसातल में प्रवेश कर लेता वहां से च्युत होकर बहुत जल्दी प्रविशंति रसातलम रसातल में आ जाता धरती पे आ जाता ऊपर से च्युत होकर धरती पे आ जाता और भ्रमन्ति फिर भ्रमण करता है अनिल अनिलवत अनिल मतलब पवन अनिलवत अनिल के समान मतलब पवन के समान भ्रमण करता है और विश्वम विश्व में क्या पूरे पूरी दुनिया में घूमता है और फिर नरको दरे नरक के पेट में पतती नरक के पेट में घुस जाता है। मतलब वो कह रहे हैं कि देव में भी कौन तुम शाश्वत रह जाओगे देव से भी च्युत हो जाओगे और देव से च्युत होगी पहले पृथ्वी तल पे आओगे पहले तो क्योंकि एकदम सीधे तो नरक जाता नहीं और पत्ते के समान फिर चारों गति में इधर से उधर हवा के समान पूरे संसार में डोलोगे और अंतो तत्वा वो नरक के उधर में भी चले जाओ। वैसे भी देव की तो बहुत दुर्दशा है देव का मतलब देव भवनात्रिक देव बनना मैंने बहुत भयंकर रिस्की काम है क्योंकि वहां से मरकर जीव बहुधा जीव एकेंद्री होते हैं बहुधा एक अंतर मुहूर्त में असंख्यात देव पड़ते हैं कितने असंख्यात। अब आप देखो उसमें मनुष्य कितने होते हैं तो वो सब कहां जा रहे हैं क्योंकि उनकी दो ही गति है मनुष्य तिरंज गति देव मर के देव में पैदा नहीं होते देव मर के नारकियों में नहीं पैदा होते देव मर के नरक और देव में उत्पन्न नहीं होते तो देव मर के दो ही गति में उत्पन्न होंगे मनुष्य में और तिरंज में और मनुष्य तो एक दिन में गिनती के पैदा होते हैं और ये असंख्यात मर रहे हैं तो अब बाकी सब कहां जा रहे हैं एकेंद्री में या पंचेंद्री में और पंचेंद्री भी गिनती बहुत नहीं होते एकेंद्री में बहुत पैदा होते हैं तो इसलिए वो कितनी स्थिति कैसी है भोगी पुण्य फल हो एकेंद्री तो इसमें क्या इसमें कौन बहुत बड़ी बात है तुम दो दिन के लिए तुम्हारे को अच्छा खाना मिला और अगले दिन पांच दिन तक तुमको खूब डंडे मारे चाहिए क्या क्यों जी 10 साल की जेल और 10 क्षण का आनंद 10 क्षण के आनंद से 10 साल की जेल कौन पसंद करेगा तो इसलिए वो कोई बहुत अवस्था ऐसी नहीं है कि जिसके लिए अपन बहुत लालायित हो। आगे देखो परंतु फिर देव गति से च्युत होकर पृथ्वी तल पर आता है और यह पवन के समान जगत में भ्रमण करता है और तथा नरकों में गिरता है विडम्बयन्त्यसो संसार समयान्तरे अदमोत्तम पर्याये नियोज्य प्राणिनां गणम् विडम्बयति विडम्बयति असो इसकी विडम्बना होती है हंत हंत धिक्कार है संसार समयान्तरे क्या एक समय से समयांतर में ये संसार में जीव विडम्बना होती है उसकी असो हंत इसे धिक्कार है निकाय संसार या एक समय से क्या का क्या हो जाता एक समय पहले जो जीव देव था वो एक समय बाद एकेंद्री हो जाता एक समय पहले जो मनुष्य राजा था जो राजा था वो एक समय बाद कीड़ा बन जाता निकाय है वो कहते हैं संसार की दशा अभी एक सेकंड पहले वो आदमी क्या है और एक सेकंड बाद उसकी क्या दशा हो रही यही देखते हैं आदमी एक सेकंड पहले क्या था एक सेकंड बाद क्या हो जाता है इस धिक्कार किसी की दशा शाश्वत नहीं मेरे को तो मालूम नहीं ज्यादा लेकिन लोग बोलते हैं कि जो ये पहले वो बने थे सेठी जी प्रकाश चंद सेठी गृहमंत्री बन गए थे तो इंदौर आए थे तो इंदौर में दूध वालों की हड़ताल चल रही तो उन्होंने हड़ताल में उन्होंने खुद ने इंटरव्यू खुद ही घुस गया उसमें हड़ताल में मतलब हड़ताल में उनको कोई बोलने की जरूरत थी नहीं कह रहे लोग बोलते मेरे को मालूम नहीं है वो उन्होंने कुछ बोला ऐसा कुछ किया यहाँ पे
तो वापिस जब वो प्लेन में बैठे और जब वहां तक जब तक दिल्ली तक उतरे तब वो गृहमंत्री नहीं रहे। पर दूध वालों की हड़ताल में तुमको बोलने की क्या जरूरत थी? तुमको गृहमंत्री बना है कि दूध की हड़ताल नहीं बनाया? उसमें इंटरवेंट क्यों कर रहा था? जो हो रिया वहां होना, तो आपस में जो भी थी किसी की जो भी खैर, मतलब लोगों बताते हैं कि साहब वो यहाँ बैठे थे ना तब तो लोगों ने ऐसा सम्मान किया क्या, और उधर गए तो कोई लेने वाली तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या हुआ क्या। तो लोग डर गए बेचारे कि कुछ गड़बड़ हो गई है, इसलिए तो उनको बस से हटा दिया। तो लेने क्यों जाए, लेने जाए तो देखे कि कौन लेने आया इनको। तो जो यहाँ तक माला पहन के गया उसको आदमी को कोई रिसीव करने वाला नहीं है। क्या कोई दूसरी पार्टी का आदमी होता तो लोग उसके पास बैठना नहीं पसंद करते, और अभी वो नेता बन जाए मतलब कुछ बन जाए तो बाहर। एक समय से समयांतर में क्या की क्या दशा होती है जीव, क्या जो आज जो व्यक्ति अभी किसी को पता चल जाए अपने में से कोई भयंकर रोग है क्यों जी, और वो रोग के कीटाणु बहुत जल्दी फैलते हैं, कोरोना है तो तीसरी लहर वाला, तो वो यहाँ एक समय मात्र में भग जाएगा यहाँ से। तो वो कह रहे हैं धिक्कार है देखो इस संसार की दशा को। अधमोत्तम पर्याय नियोज्य प्राणिनाम गणम, अधमोत्तम, अधम माने बिल्कुल अधम नीच हीन, और उत्तम, उत्तम माने अच्छी। तो हीन और उत्तम इन पर्यायों के द्वारा जीवों को नियोज माने जोड़कर गणम बिगाड़ता है। आचार्य महाराज आश्चर्य कहते हैं कि देखो यह संसार जीवों के समूह को समयांतर में ऊंची नीची पर्यायों से जोड़कर विडंबना रूप करता है। बेचारे जीव को कभी तो कहां पहुंचा दे, तो वो समझे अरे अरे और एकदम उसको नीचे गिरा, आपका उदय झट से नीचे गिर जाए। ऐसी दशा है बेचारा, कितना वो पराधीन है उसको समझ में नहीं आया क्या हो रहा। सभी तो उसको ऊंचा चढ़ के जैसे कहते ना एकदम रसा उसको पहुंचा दिया ऊपर, और जिस धरती में धरती हटा दी था नीचे आ गया। तो धिक्कार है ऐसे संसार, देखो ये संसार जीवों के समूह को समयांतर में एक समय में ऊंची और नीची पर्यायों से जोड़कर विडंबना रूप करता है, और जीवों के स्वरूप को अनेक प्रकार से बिगाड़ता है। क्या बेचारी ऐसी ऐसी दशा करता है जीव को, कभी क्या कभी क्या, कभी राजा कभी रंग कभी सेठ कभी दरिद्र कभी स्वामी कभी नौकर कभी पुरुष कभी स्त्री, कोई मतलब जीवों के स्वरूप का उसने बिल्कुल ये संसार अवस्था में जीव का स्वरूप पूरा जो है वो बिगड़ा हुआ है, उसको वास्तविक अपने निज स्वरूप की बोध ही नहीं है। उसका जो वास्तविक स्वरूप है जीव का वो कर्मों के उदय से नाना पर्यायों में बिगड़ रहा है, तो ये संसार इसकी अवस्था करता है। स्वर्ग की पतति साप्रंदम स्वासंगम अति रोहति श्रोत्रीय सारमेय स्यात्। देखो अब ये चार छह उदाहरण दिए, स्वर्गी पतति साक्रन्नम रोता हुआ, स्वर्गी पतति स्वर्ग का देव रोता हुआ वहां से पतन करता है, रोता रोता बेचारा वहां से छूट हो जाता है, रोता रोता मर जाता है। स्वर्ग में जब पता चल जाता है छह महीने पहले से पता चल जाता है कि हम मरने वाले, तो वो आखिरी में मरते मरते मतलब बहुत रोता रोता मरता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि मैं मरने वाला हूँ, तो उसको दिखता मेरे सब भोग छूट जाएंगे, ये सब छूट जाएगा, ये सब मेरे जो जितने अंदर के अधीनस्थ जितने सारे देव हैं ये सब का साथ छूट जाएगा, मैं इन सब का स्वामी भी मर जाऊंगा यहाँ से। वो जो देवियां हैं वो देवियां किसी और देव की हो जाएगी, मैं सब छोड़ दूंगा, सब महल अटारी सब जाने वाला है। छह महीने बाद अपने कोई बोल दे क्या पंचोली जी कि छह महीने बाद अपन जाने वाले हैं, तब तो कैसा लगेगा? वैसा उनको होता
हर समय उनको वो चीज जो है ना काटते रहो, मतलब वो प्रति समय मानसिक घोर मानसिक दुख को भोगते हैं, घोर से घोर मानसिक बढ़ते समय जो उनको अंत में 6 महीने जो पीड़ा होती है, जो मानसिक दुख होता है वो कहाँ नहीं जा सकता, तो इसलिए वो दुर्गति को चले जाते हैं। देखो स्वर्ग का देह रोते हुए गिरता है और स्वा स्वा माने कुत्ता स्वर्गम अधिरोही, वो स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है। कुत्ता ये देव कुत्ता हो जाता है और कुत्ता देव हो जाता है, हो जाता है कि नहीं हो जाता है, नहीं होता है। श्रोत्रिय साल में श्रोत्री माने जो ब्राह्मण होते हैं ना, श्रोत्री ये श्रोत्री कहते हैं अपन, कई लोग श्रोत्री ब्राह्मण कहलाते हैं अपने आप को, ये साल में मैंने चांडाल हो जाता है वो क्रमी व क्रमी माने कीड़ा 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 क्रम क्रमी माने कीड़ा और स्वपी वो माने कुत्ता। हाँ श्रोत्री माने वही ब्राह्मण, श्रोत्री उसी को कहते हैं ब्राह्मण को, तो श्रोत्री तीन चीज की रही हो माने या तो वो चांडाल हो जाएगा कि क्रमी वा माने कीड़ा वा अथवा माने अथवा अथवा कीड़ा हो जाए, स्वपोवी वा स्वपोपी वा स्वपोवी माने कुत्ता भी अपी माने भी अथवा कुत्ता भी हो सकता है, माने जो ब्राह्मण कह रहा है कि मैं बहुत छू ही नहीं मैं वो ब्राह्मण खुद ही चांडाल हो गया, कीड़ा हो गया और कुत्ता हो गया, तीनों छूने लायक नहीं। कुत्ते को कौन छुएगा, ब्राह्मण कुत्ता छुएगा, ब्राह्मण गंदगी में रहने वाले कीड़े को छुएगा और ब्राह्मण चांडा को छुएगा, जिनसे वो इतनी घृणा कर रहा है वो मर के वो खुद वो बन जाता है। दिक्कत है ऐसी संसार की दशा में नहाए उससे छू 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 जाए तो नहाए है क्यों, सोले वाला व्यक्ति कुत्ता और खुद ही तू बच जा, जिस कुत्ते से घृणा की वो कुत्ते की पर्याय में जन्म ले ले तो क्या करेगा, ऐसी अवस्था है। टाइम हो गया, कल करेंगे बातें।